इस वीडियो में आपको दिखाते हैं एक प्रॉपर वुडन आर्मरेस्ट जो कि है सेवरले बीट के लिए, कैसे लगेगा, लगने के बाद कैसा लुक आएगा, क्या इसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होंगे, सारी आपको डिटेल इस वीडियो में देते हैं। यह है सेवरले की बीट गाड़ी और ये प्रॉपर इसी के लिए है। वैसे वुडन आर्मरेस्ट आपको किसी भी गाड़ी के लिए मिल जाएगा, हर गाड़ी हर मॉडल का बिल्कुल प्रॉपर होता है। सारी डिटेल वीडियो जो है वो चैनल पे बनी हुई है, आप वो चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और बीट के लिए आप देख ही सकते हैं, हैंड ब्रेक यूज़ करना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर बीट का है तो स्क्रू वगैरह लगाने की भी बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है, इसकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर है और जो सीट बकल्स हैं इनके बीच में फंस जाता है बिल्कुल अच्छे से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है किसी प्रकार की। बैक साइड से एक बार इसका लुक देख लीजिए आप, ऊपर रैगजीन लगी होती है तो बिल्कुल ये सीटों से मैच कर जाता है और ये पीछे पूरा ग्लास होल्डर तक को कवर कर लेता है अच्छे से, पूरा इसमें फंस गया है तो हिलने का भी इसमें कोई चांस नहीं होता। नीचे से आप कुछ इसमें छोटा मोटा सामान जरूर रख सकते हैं, वैसे ग्लास होल्डर यूज़ नहीं होगा, ये इसको माइनस पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। बात करें आर्मरेस्ट लगने के बाद सीटें आगे पीछे होंगी कि नहीं तो आपको करके दिखा देते हैं एक बार। तो ये सीट तो आगे पीछे आराम से हो रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, थोड़ी सी सीट हार्ड ज़रूर हो जाएगी लेकिन सीट को आगे पीछे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सीट बकल्स के बीच में आर्मरेस्ट जो है वो बुरे तरीके से फंसा होता है जिस वजह से ये थोड़ा सा हार्ड भी सीट हो जाती है। वैसे ओवरऑल कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, लंबी ड्राइव अगर आपकी होती है तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। गियर वगैरह आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, हैंड ब्रेक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और वैसे इन गाड़ियों के लिए प्रॉपर बहुत कम मिलते हैं, यूनिवर्सल लगाने पड़ते हैं, यूनिवर्सल के अपने माइनस पॉइंट हैं, आवाज़ें आती रहती हैं, थोड़ा अजीब सा भी लगता है और बाद में एक रैटलिंग नॉइज़ क्रिएट करने लग जाता है और बहुत सारे उसमें स्क्रू लगाने पड़ते हैं। तो ये है बिल्कुल प्रॉपर सेवरले बीट के लिए। किसी और गाड़ी के लिए चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पे सारी वीडियो लगभग अवेलेबल हैं। कोई ना मिले तो आप हमसे कमेंट करके उसकी डिटेल ले सकते हैं। अंदर इसमें सामान वगैरह रखने के लिए जगह भी है और फोम वगैरह जो लगी होती है, रैगजीन वगैरह जो लगी होती है वो बेस्ट क्वालिटी की लगी होती है, तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आपको इसके दूसरे वाले साइड से इसका लुक और दिखा देते हैं, यानी आर्मरेस्ट की जो चौड़ाई है वो ठीक ठाक है, तो अगर आप देखें तो दोनों तरफ से इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंगल आदमी एक बार में करेगा तो ज़्यादा उसको स्पेस मिल जाएगा, देखिए अच्छा खासा स्पेस है। और हैंड ब्रेक वगैरह यूज़ करना तो सिंपल है, इसमें काफ़ी हैंड ब्रेक बाहर ही रहता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हालांकि आप पहली बार अगर इसको लगाएंगे तो थोड़ा ओवर आपको ज़रूर लगेगा ये, लेकिन बिल्कुल प्रॉपर है तो किसी भी प्रकार की इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लगाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपको खाली इसको सेंटर कंसोल के ऊपर रखना है और ये इसमें फंस जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।